wild wild punjab is a netflix movie which has a runtime of under 2 hours and it is a comedy movie लेकिन क्या ये मूवी सच में आपको बहुत पेट पकड़ पकड़ के हंसने पर मजबूर करेगी तो मैं सिंपल आंसर इज नो लेकिन फिर भी मूवी के कहानी के बारे में सुन लो क्योंकि कहानी आपको इंटरेस्टिंग लग सकती है अब देखो मूवी की प्रीडोमिनेटली कहानी ऐसी है कि चार बच्चों का ग्रुप होता है चार लड़कों का ग्रुप होता है जो सारे के सारे आपको एकदम टिपिकल चार लड़के के ग्रुप में जैसे लड़के देखने को मिलते हैं वैसे ही देखने को मिलेंगे जैसे कि एक बच्चा होता है जिसके पास बहुत पैसा होता है पैसा होता है गाड़ी होती है उसके पापा का बिजनेस होता है दूसरा लड़का दिल तुटाशिक होता है तीसरा लड़का काइंड ऑफ प्ले बॉय टाइप इस बंदा होता है और चौथा लड़का मम्मा बॉय नहीं बोल सकते लेकिन उसके पापा से एकदम डर डर के डर डर के जीता है और मूवी की कहानी असली में शुरू होती है जहां पे हमारा जो जो दिल है 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 तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वो चीट करके जाती है, और अभी उसकी शादी होने वाली होती है एक दो दिन में लेकिन अभी हमारे जो बच्चे हैं वो दारू दारों को बैठते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि हमें इस लड़की को जाके उसके शादी के दिन जाके इनफैक्ट उसे कन्फ्रंट करना पड़ेगा एंड उसे बोलना पड़ेगा कि आई एम ओवर यू और फिर इसी के बाद से उनकी जो तीन घंटे की रोड ट्रिप है वो शुरू होती है ये जो तीन घंटे की रोड ट्रिप है इस घंटे के रोड ट्रिप के बीच में ही इतने सारे उनके साथ अलग अलग, अलग इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिसके वजह से इनकी ये तीन घंटे की रोड ट्रिप बिल्कुल भी तीन घंटे में खत्म नहीं होती है उसे बहुत ज्यादा टाइम लगता है बेसिकली इट इज अ रोड ट्रिप गॉन रॉन्ग मूवी और फिर इसी रोड ट्रिप के बीच में कोई कॉमेडी का एलिमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करती है जहां पे मैं, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप इतना पेट पकड़ पकड़ के नहीं हंसोगे लेकिन आपके मुंह पे एक स्माइल जरूर रह सकती है कुछ कुछ इंसिडेंट्स के बीच में जहाँ आपको लगेगा कि हाँ आई थिंक इट्स फनी बट इतना ज्यादा मैं पेट पकड़ पकड़ के नहीं हंस रहा हूं जहा पे कुछ कुछ वन लाइनर्स भी फनी है जहां पे कुछ कुछ इंसिडेंट जो उन्होंने क्रिएट करे है फनी लगते हैं जैसे कि एक इंसिडेंट मुझे काफी मतलब ऐसा वो हिट हुआ अग, मतलब अगर आपने हैंग मूवी देखी है हॉलीवुड वाली तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि हैंग मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है और उसी कॉन्सेप्ट को एक छोटे से बिट में उन्होंने यहाँ पे यूज करने की कोशिश करी है लेकिन ये एक्साइटिंग नहीं था एक्साइटिंग तो एक्चुअली ये था कि जहां पर वो एक्चुअली एक्नोलेज करते हैंग ओवर मूवी को यानी कि उस सीन में एक कैरेक्टर बोलता है कि दिस इज नॉट द हैंग मूवी ये रियल लाइफ है यानी कि वो बेसिकली बोल रहा है कि यार ये जो चीज हमारे साथ हो रही है ये सिर्फ भेंगोवर मूवी में होने लायक है कि रियल लाइफ में नहीं होता है तो वो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने सीधा जॉब तो बनाया ही लेकिन उसको एक्नोलेज भी किया ऐसा नहीं होने दिया कि ये एक एक्चुअली रिप ऑफ बन गया लेकिन अगेन है टू डेफिनेटली से कि जो भी सारे इन्होंने इंटरेस्टिंग बिट्स है फिर जो फ़नी बिट्स तैयार करने की कोशिश करी है तो वो आपको एकदम से ज़्यादा पेट पकड़ पकड़ के हंसने पर मजबूर नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा बहुत आपको फ़नी लग सकते हैं लेकिन एट द सेम टाइम काफ़ी सारे जगहों पर उन्होंने ऐसे ऐसे बिट्स ऐड किए हैं जो आपको लगता है कि यार ये बस मूवी को खींचने का ही काम कर रहे हैं और वो इतने फनी नहीं लगते हैं बस एग्जेजरेटेड लगते ओवर एक्जेजुरेटेड लगते मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि एग्जैजुरेटेशन एंड ओवर एग्जेजुरेशन इज अ पार्ट ऑफ द कॉमेडी ऑफ अ कॉमेडी मूवी बट समाइम्स इट जस्ट फील्स अब इट बोरिंग मतलब एक्जेजरेशन इज ऑलराइट जब तक वो आपको हंसता हैट समाइम्स इट डजेंट यू नो सर्व द पर्पज ऑफ इट तो हाँ बेसिकली आप बस इसको लगा के देख सकते हो नॉर्मल से देख सकते हो बेसिकली मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि मैं आपको रिकमेंड ही कर रहा हूँ ये मूवी देखने के लिए लेकिन एक मूवी है जो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करना चाहूँगा अगर हाँ ये बहुत ही बड़ा अगर है कि अगर आपको खून खराबा देखने से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है मतलब बहुत ही इंटेंस खून खराबा ठीक है तो अगर वो देखने से प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली तो जाके इस मूवी को चेकआउट करना मूवी का नाम है किल और पहले तुम्हें एक वार्निंग देता हूँ प्लीज़ जाके इस वीडियो को पहले चेकआउट करना उसमें जो जो सारे मैंने चीज़ें बताई है वो अगर आपको डाइजेस्ट होने लायक है तो डेढ़ फिनेटली इस मूवी को जाके देखना क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूं आज से कुछ महीनों बाद या फिर कुछ सालों बाद जब भी कोई बड़े एक्शन मूवीज बनेंगी इंडिया में वहां पर इस मूवी का मेंशन जरूर होगा इट इज दैट काइंड ऑफ अ मूवी इट्स काइंड ऑफ अ बेंच मार्क फॉर इंडियन एक्शन मूवीज एट दिस पॉइंट एंड टाइम उसको चेकआउट कर लेना एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच वॉच